क्या हाल चाल है आपके? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियोस जो फिर से कॉपीराइट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कॉपीराइट का सिस्टम ख़त्म कहाँ होगा, कहाँ जाके ख़त्म होगा कॉपीराइट। सॉरी, आई हेट दिस कॉपीराइट। हाँ ठीक है, हेट ही करता हूँ यार। कॉपीराइट लग जाता बार बार वीडियोस को मेरे डाउन हो रहे हैं, कोई तरीका थोड़ी होता है। दूसरे बंदे रिएक्शन वीडियो बना देते हैं, उनके ऊपर कॉपीराइट नहीं लगता। मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, मेरे रिएक्शन वीडियोस पे कभी कोई कंटेंट का कॉपीराइट डाल रहा है, कोई म्यूज़िक का कॉपीराइट डाल रहा है। भाई समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब का क्या एल्गोरिथम चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ी देर के लिए तो मैं सोच बैठा था यार एक डायलॉग लिख देता हूँ वायलेंस के नाम पर मैं भी, लेकिन फिर याद आया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर भी कॉपीराइट आ जाए कि ये तो कॉपी किया है वहाँ से ऐसा कुछ, तो इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया। एनीवेज ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर से मिलाने जा रहा हूँ जिसने बहुत कुछ आतंक तो क्या ही बोल सकते हैं यार, आप लोग खुद डिसाइड कर लेना देख के। बहुत से लोग उसे जानते भी होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अपने उस अटपटे फैशंस की वजह से। कई लोगों के जो गेस्ट लग रहे हैं वो बहुत सही लग रहे हैं, टाइटल में नाम मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं ये सारी वीडियोस देखने वाला हूँ, बट आई होप इसके ऊपर फिर से कॉपीराइट ना लग जाए। यूट्यूब के कॉपीराइट ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। चलिए एनीवेज शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का कार्यक्रम। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। वैसे इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बता सकता हूँ कि मतलब ये बंदी उस टाइप का, मतलब उस ट्रेंड का फैशन देख सकती है अपने लिए, कि आप ये कहो कि घर के पड़े हुए जो पुराने वेस्ट, घर में तो ना हम रस्सियाँ वगैरह बांध देते हैं कपड़े सुखाने के, इस टाइप से मतलब ये आपको ना एक तरह से घर के कबाड़ को भी उठा के यूज़ करने लायक एक फैशन बना दे, उस टाइप की बंदी है। मैं पहला वीडियो ना इसका वही प्ले करूँगा अपने पास। यस, क्या नेट है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बोला जाए इस नेट के लिए। इस बंदी ने मतलब घर का कुछ भी होगा ना कबाड़, आप वो जो दूसरे खरीदने वाले आते हैं उनको मत दो यार। मतलब ऐसी क्रिएटिविटी, ये देख रहे हो आप, ये क्रिएटिविटी यार ये कहाँ से लेके आओगे ऐसी क्रिएटिविटी आप लोगों के पास है? मतलब यार अच्छे अच्छे फैशन डिज़ाइनर फेल हो रहे हैं यार। कभी कभी तो मेरे को लगता था जब आपने शायद कुछ ऐसे फैशन शो देखे होंगे जहाँ कुछ अजीब से अटपटे से कटे पिटे से पता नहीं कैसे कैसे कपड़े मॉडल टिकटॉक करके चल रही होती हैं, फिर बाद में लेकिन वो कपड़े कभी मार्केट में दिखते नहीं थे। मैं भी सोचता था यार ये फैशन में यहाँ तो कपड़े हैं लेकिन ये गए तो गए कहाँ बाद में। अब समझ आ रहा है वो कपड़े कहाँ जाते हैं, आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। एक और वीडियो है ये वाला। वाह, पट्टियाँ, शी लव्स दीज पट्टियाँ, मतलब स्ट्रैप्स बेसिकली। कहाँ कैसे जोड़ी कुछ नहीं पता, बस जोड़ के बना रखा है पट्टियों का पूरा महल। कवर करना तो भूल गए अपने आप को, चल रहे हैं चहल पहल। अरे वाह, मैं तो कुछ बोल गया यार, वेल डन भाई। ये वाला बहुत औसम है यार, मतलब जाना थोड़ा सा है, ये ड्रामे मत करना फालतू में, कहीं पता चले इनको देख के कुछ तुम लोग ड्रामे दिमाग खराब आती तुम्हारे। भाई इस बंदी को देखो, ड्रेस नहीं मिला तो अपने फोटो मतलब क्लिक करी सारे फोटो के प्रिंट लेके वही पहन डाले। यार कौन से लेवल का फैशन है भाई, क्या चल क्या रहा है, ये चाहती क्या है यार, ये इस लेवल का फैशन सेंस, ओ माय गॉड, मतलब यार क्या चीज़ है इसका फैशन सेंस, हद है। और अभी मैं जो ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, आप सोच नहीं सकते इस लेवल का फैशन सेंस है। पहले वीडियो देखो और उसके बाद समझना कि ये किस लेवल का फैशन सेंस था। नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसने एक्चुअली पहना हुआ क्या है। ये देखो, मैं इसको पूरा नहीं डालूंगा, पता चले यूट्यूब मेरी वीडियो पे कुछ अजीब से रेस्ट्रिक्शन डाल दे तो मैं इसको लिमिटेड ही डालने वाला हूँ इसको। अब आपको एक्चुअली समझ में आया इसने क्या पहना हुआ है ये ऊपर? नहीं समझ में आया? अरे ये जो शुरू में इसने पिंस दिखाए थे भाई, ये उस पिंस की एक ड्रेस बना दी है इस बंदी ने। कैन यू सीरियसली इमेजिन? इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था भाई ये बंदी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी का मतलब समझ रहे हो आप, कुछ भी कर सकती है भाई। आपका कुछ भी घर में फटा पुड़ाना कैसे भी वो चीज़ें,
कैसी भी बेकार यूजलेस चीज़ें उठा के मैं कहता हूँ भाई कुरियर करवा दो मुझे, नहीं इसको, इस बंदी को कुरियर करवा दो, ये कुछ भी उसका यूज़ कर सकती है भाई, फैशन के नाम पे आपके कपड़े यूज़ हो जाएंगे, इसका एक नया फैशन सेंस बन जाएगा, लोगों को कुछ नया कंटेंट मिल जाएगा ऑब्वियसली। लास्ट वीडियो, इसके बाद कुछ नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड एक और वीडियो बनाएंगे इसके लिए, अगर कुछ मुझे अच्छे और कुछ ऐसे कंटेंट मिले। ये वाला भाई ये मुझे समझ नहीं आया, और लेकिन ये बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा, जिनको समझ में आएगा वो समझें, जिनको नहीं समझ में आएगा मुझे बहुत अजीब सा लगा कि क्या था ये भाई, वो जिसे हम लोग कहते थे ना बुढ़िया के बाल खाते थे बच्चे हम, कैंटी बेसिकली इंग्लिश, अंग्रेजी वालों को मैं बता दूँ कैंटी, शायद उनको पता ही होगा। ये देखो भाई साहब, मतलब बच्चों को अगर इसके पास छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, मैं इसकी वीडियोस अभी और नहीं देख सकता मैं, मतलब यार फालतू में पता चले मेरे वीडियो के ऊपर स्ट्राइक लग जाएगा, मतलब कि यार आपने ऐसे कंटेंट डाल दिया, कॉपीराइट तो पहले डल रहे, आई होप आपकी बार कोई कॉपीराइट ना है। कॉपीराइट ने दिमाग खराब कर दिया यार, यूट्यूब के कॉपीराइट सिनेरियो मुझे समझ नहीं आ रहे। मैं सिर्फ यही वीडियोस डालने वाला हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस बंदी का फैशन सेंस भाई साहब उस लेवल का है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, आपने एंजॉय भी किया होगा, आई होप एंजॉय भी किया ही है, तभी तो लाइक करके जा रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, मुझे मालूम है।